गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं क्लास सेवन्थ का सेकंड चैप्टर जो कि फ्रैक्शन डेसिमल उसकी एक्सरसाइज 2.2 है उसका क्वेश्चन इस वीडियो में मैं फिफ्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा और इसको मैं सॉल्व करूँगा साथ ही साथ एक्सप्लेन करते हुए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हो सके तो आप पूरी वीडियो देखना जिससे कि आपके सारे डाउट्स और प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी। तो मैं करता हूँ यहाँ से लिखना चालू करता हूँ। ये एक्सरसाइज 2.2 है और ये क्लास हमारी कौन सी है, सेवन्थ क्लास है। क्वेश्चन हमारा है 5। इसके मैं सारे ही पार्ट सॉल्व कर देता हूँ इस क्वेश्चन में, ठीक है। आप ध्यान से देखना, अगर आपके कोई डाउट हो बीच वाले क्वेश्चन में हो, बीच वाले पार्ट में हो, तो आप आगे करके देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, पहला वाला हमारा है ए पार्ट, हाफ ऑफ 24 एंड 46 दे रखा है। तो मैं क्वेश्चन लिखता रहूँगा और साथ साथ में इसको सॉल्व करता रहूँगा, ठीक है। फर्स्ट वाला ए पार्ट, हाफ ऑफ फर्स्ट है इसका 24 और सेकंड है इसका 46, ठीक है। तो इसको क्या करना है, पहले हाफ दे रखा है तो मैं इधर सॉल्व करता हूँ इसको, पहले वाले पार्ट को सॉल्व कर देता हूँ, फर्स्ट पार्ट। इसका हाफ ऑफ क्या है, 24। ऑफ़ का मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 24 मल्टीप्लाई। अब ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 जा और 2 के टेबल में 2 1 जा 2 2 जा, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 12। पहले पार्ट का आंसर आपका है 12 है। अब इसी तरह दूसरा पार्ट जो है इसका ए वाले का, वो है हाफ ऑफ 46, ठीक है। और हाफ ऑफ का मतलब, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई होता है 46। अब ये फिर 2 के टेबल में 2 1 जा 2 2 जा 4 और 3 जा, यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, 23 ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये था इसका पहला पार्ट। अब ऐसे ही बी पार्ट मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहले मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ बी वाला। बी वाला क्या है, हमारा क्वेश्चन है 2/3 ऑफ जो फर्स्ट पार्ट इसका है 18 और जो सेकंड पार्ट इसका दे रखा है वो है 27, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ लाइन ड्रॉ के, जो इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसका, आप ध्यान से देखना। 2/3 ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या है, 18 है, तो 18 लिख देता हूँ, ठीक है। अब 18 आपको पता है कि ऑफ की जगह क्या आता है, मल्टीप्लाई आता है, तो 2/3 इंटू 18 यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब 3 के टेबल में 3 1 जा और 3 6 जा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 2 और 6 को, ये आ गया 12, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इजी है बहुत, ध्यान से देखना। अब ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अगेन क्या है, 2/3 ऑफ 27। अब ऑफ क्या, अगेन हमें पता है ऊपर जैसे हमने कर रखा है, इसका 2/3 ऑफ की क्या हो जाएगा, इन टू हो जाएगा 27, 3 1 जा 3 9 जा, इन दोनों को मल्टीप्लाई 2 और 9 को करके हमारा आंसर आता है 9 2 जा क्या है हमारा, 18 है, ये आपका आंसर है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड बहुत इजी है। आप हल्के हल्के मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप, आप पूरी वीडियो देखना, ठीक है। थर्ड पार्ट, 3/4 ऑफ फर्स्ट पार्ट जो इसका है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन पहले, और सेकेंड पार्ट जो इसका है यहाँ पर, पहला 16 और दूसरा 36, ठीक। अब मैं यहाँ पहला पार्ट एक्सप्लेन करूँगा, 3/4 ऑफ 16। ऑफ जहाँ भी होता है आप ध्यान रखना, वहाँ हटा, जब ऑफ को हटाते हैं तो मल्टीप्लाई साइन आता है, तो मल्टीप्लाई 16 आ गया। अब 4 1 जा 4 4 जा 3 4 जा 12 हमारा होता है, ये आपका पहले का आंसर है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब सी वाले का मैं सेकेंड पार्ट कर रहा हूँ, वो है 3/4 ऑफ 36, ठीक है। 3/4 ऑफ को हटाया तो मल्टीप्लाई आ गया और 36 ऐसे ही आ गया। अब 4 1 जा 4 9 जा, अब 9 की और 3 की मल्टीप्लाई हुई तो ये आ जाएगा 27, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, हो जाएगा ना आंसर। इसके बाद जो लास्ट जो इसका पार्ट बचा हुआ है, डी पार्ट है, उसको मैं उतार लेता हूँ। 4/5 ऑफ फर्स्ट पार्ट है इसका 20 और सेकेंड पार्ट है उसका 35, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, फर्स्ट पार्ट पहले कर रहा हूँ मैं, 4/5 ऑफ 20, तो जब ऑफ हटेगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई साइन आ जाता है, और 5 1 जा 5 4 जा 4 4 जा 16, हमका आंसर यहाँ आ जाएगा।
वैसे ही सेकंड पार्ट है इसका, बहुत इंटरेस्टिंग है, 4/5 ऑफ 35 दे रखा है। अब ऑफ साइन हटेगा यहाँ तो क्या आएगा हमारे यहाँ, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। अब 5 1 जा 5 7 जा और 4 7 4 7 जा कितना होता हमारा 28। तो ऐसे करते हुए ये सारा ही क्वेश्चन मैंने आपका सॉल्व कर दिया है, जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बहुत इंटरेस्टिंग था। आप भी इसे देख सकते हैं, सारे पार्ट मैंने आपके सॉल्व कर दिए हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फ्रेंड सर्कल के साथ भी आप इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनका भी बेनिफिट हो। स्कूल में आप डिस्कस कर सकते हैं, फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, बहुत जल्द मैं लेकर आने वाला हूँ वीडियो की नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर।